नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। द न्यूज लॉन्चर पर बिहार स्पेशल चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार स्पेशल चर्चा में पिछले 24 घंटे में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिले हैं, उन सब की चर्चा हम करेंगे। और उस चर्चा में पवन सिंह लालू दरबार की तरफ मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पवन सिंह लालू दरबार की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका सिवान लोकसभा सीट से क्या कनेक्शन है, ये भी चर्चा करेंगे। और चर्चा इस बात की भी होगी कि राहुल गांधी क्या पप्पू यादव के खिलाफ प्रचार करने जाएंगे, कांग्रेस पार्टी की लिस्ट में किस प्रकार से भूमियार, राजपूत, मल्लाह, इन सब का समायोजन होगा, और मुकेश सहनी के साथ मछली खाने के साथ साथ मछली के बाद अब नारंगी खाने का जो वीडियो शेयर किया गया है हेलीकॉप्टर से, आईक्यू, पहली बार तो आईक्यू टेस्ट की बात की तेजस्वी यादव ने, अब कौन सा आईक्यू टेस्ट तेजस्वी यादव कर रहे हैं, और क्या इस बार फिर जाल में फंसते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर क्या चुनावी हिंदुत्व को पीछे छोड़ते हुए जातीय समीकरण ने अपनी बड़ी भूमिका खुद के लिए देख ली है, ये सारे सवाल आज की चर्चा में आएंगे। और इस चर्चा में इस बात की भी चर्चा होगी कि क्या नीतीश कुमार सभी लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री जहां जहां जाएंगे सभी दौरे में उनके साथ रहेंगे। चर्चाएं बहुत है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दौरे में नहीं हो सकते हैं, और ये इस बात पर तय होगा कि दूसरे चरण की सभी पांचों सीटों पर जदयू ही लड़ रही है, भाजपा या लोजपा नहीं लड़ रही है। तो उस परिस्थिति में क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दूसरे चरण में जनता दल यूनाइटेड के पांचों कैंडिडेट की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब के साथ साथ बिहार की 40 लोकसभा सीटों को चुनावी हिंदुत्व बनाम जातीय समीकरण इसके बीच में साधने की कवायद में क्या नीतीश कुमार भी चुनावी हिंदुत्व से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। चलते हैं ऋषि मिश्रा जी के पास। ऋषि मिश्रा जी ही बताएंगे कि बिहार की सियासत में क्या हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी। सबसे पहले ये बताइए, पवन सिंह लालू दरबार की तरफ मूव कर रहे हैं, और पवन सिंह लालू दरबार की तरफ मूव कर रहे हैं तो इसका सिवान में टिकट रोके जाने से क्या कनेक्शन है? देखिए, पवन सिंह ने पहले ही कह दिया था कि उन्होंने अपनी माँ से वादा किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, किसी भी शर्त पे चुनाव लड़ेंगे, और मुझे लगता है कि वो वादा पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। कल उन्होंने ट्विटर हैंडल पर स्पष्ट कर दिया कि काराकाट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये बात आपने भी बिल्कुल, आपका भी इनपुट सही है कि वो लालू यादव के संपर्क में है, संभवतः वह काराकाट से चुनाव लड़ सकते हैं, काराकाट से चुनाव लड़ सकते हैं। सॉरी, फोन आ गया था। काराकाट से चुनाव लड़ सकते हैं वो। और जो आपने कहा कि क्या सीटों का रिप्लेसमेंट हो सकता है, ये भी संभावना है। सिवान होल्ड पे रखा गया है और काराकाट आप जानते हैं कि लेफ्ट को दिया गया है, तो वो हो सकता है कि काराकाट के बदले सिवान जो है लेफ्ट को दे दिया जाए और काराकाट पे राजद के सिर पे पवन सिंह लड़े। और देखिए, वहां का जो जातीय क्वेश्चन है वो भी पवन सिंह के पक्ष में है। कभी करीब करीब 2.25 लाख के आसपास राजपूत है, और यदि आप ब्राह्मण भूमिहार को मिला दें वहां तो करीब करीब जो फॉरवर्ड का वोट है 3.75 लाख के आसपास है, प्लस एमवाई भी बहुत मजबूती के साथ वहां पे है, तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए वहां परेशानी का सबब हो सकता है। एक बात, यदि पवन सिंह निर्दलीय भी लड़ते हैं फिर भी उपेंद्र कुशवाहा के लिए परेशानी का सबब होगा, क्योंकि महागठबंधन से भी कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा खुद कुशवाहा है। यदि कुशवाहा वोट का डिवीजन होता है, क्योंकि माले के वो नेता है, उनका जो कैडर होगा वो बिल्कुल एक ईमानदार कैडर होता है, वो अपने अपने नेता अपने विचारधारा के प्रति वफादार होते हैं, तो ठीक ठाक सेंध लगाएंगे अपने समाज के वोट में। और इसका डायरेक्ट फायदा यदि निर्दलीय पवन सिंह लड़ते हैं तो वो भी फायदा हो सकता है। 3.75 लाख का जो चंक है वो बिल्कुल मुझे लगता है कि पवन सिंह के, के के साथ यदि वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो मिल सकता है। प्लस पवन सिंह का अपना फैन फॉलोइंग है, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। पवन सिंह का फैन फॉलोइंग जो कास्ट रिलीजन से ऊपर है, तो पवन सिंह के मैदान में उतरने से वो भी मुझे लगता है कि जो समीकरण है दरकने की संभावना है। तो मुझे लगता है एक स्मार्ट मूव होगा राजद का, और पवन सिंह स्टार प्रचारक है, इसका फायदा सिर्फ काराकाट ही नहीं, आपको आरा में भी मिलेगा, तमाम ऐसे सीटों पे मिलेगा
जहां इनके फैन फॉलोइंग है और इनके समाज इनके जाति के आधार वोट है। जी आपने पवन सिंह की बात की, वो भोजपुरी गायक है, अश्लील गाने गाने का उन पर आरोप भी लगता है। सवाल ये उठता है कि पवन सिंह जो खुद मोदी का परिवार बने हुए थे, पवन सिंह को आसनसोल से टिकट ऑफर किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और कहा जाता है कि अंत में बंगाल में दूसरे तरह की अस्मिता किस्त का सवाल उठना शुरू हुआ, उनकी बंगाली महिलाओं और लड़कियों पर गाए गए कुछ कथित अश्लील गानों को लेकर, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। कल ही आपने देखा कि SS अहलूवालिया को वहां से भेजा गया चुनाव लड़ने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ। अब सवाल ये उठता है कि भोजपुरी गायक पवन सिंह, लगावे लू जब लिपस्टिक गाना गाने वाले, उसके बाद अब कौन सा चुनावी लिपस्टिक वहां वो लगाएंगे जिससे माले उनके लिए सीट छोड़कर सिवान जाने के लिए तैयार हो जाएगी? देखिए ये बात, देखिए ये सबसे ज्यादा माले से ज्यादा परेशानी उपेंद्र कुशवाहा को है। समीकरण जो है उपेंद्र कुशवाहा का कि कुशवाहा प्लस फॉरवर्ड के वोट, जो NDA का वोट है, BJP का वोट है, और राजपूत वहां ठीक ठाक, आपसे हमारी बातचीत हो रही थी लोकसभा चुनाव से पहले की बात बता रहा हूँ, तो आपने ही बताया था कि लवली आनंद की काराकाट से चुनाव लड़ने की संभावना बन रही थी। JDU के रणनीतिकार विचार कर रहे थे, उसका कारण, मूल कारण यही था कि राजपूत समाज का वहां पे जो वोट बैंक है वो बहुलता में है, कंसंट्रेशन वोट है, तो पवन सिंह ऐसे ही वहां काराकाट में चुनाव में लड़ रहे हैं और आरा के टच में है। ये बात आप ध्यान रखिए कि जो काराकाट का जो दूरी है, मुझे लगता है 40-50 किलोमीटर का ही आरा से काराकाट की दूरी है, और आपने बताया भी कि औरंगाबाद का भी कुछ विधानसभा इस काराकाट में आता है। ऋषि जी, 6 में 3 विधानसभा काराकाट लोकसभा की वो औरंगाबाद जिले में है, और पुरानी औरंगाबाद सीट का हिस्सा हुआ करती थी। औरंगाबाद में राजपूत बनाम कुशवाहा और पड़ोस की काराकाट सीट में कुशवाहा बनाम राजपूत, ये कौन सा समीकरण है? मैं वही चीज कर रहा हूँ। देखिए औरंगाबाद में भी राजपूत समाज में नाराजगी है सुशील सिंह को लेकर, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, जब लास्ट मोमेंट में जब कुशवाहा वर्सेज राजपूत का क्वेश्चन बनेगा तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट राजपूत जो है सुशील सिंह के साथ मजबूती के साथ दिखेंगे, लेकिन नाराजगी सुशील सिंह के प्रति काफी नाराजगी है, खासकर राजपूत समाज में है, क्योंकि उनके लिए एक ऐसा कहा जाता है कि वो चाहे वार्ड मेंबर का चुनाव हो, चाहे पंचायत समिति का चुनाव हो या जिला परिषद का चुनाव हो, वो अपने समाज के किसी भी नेता को आज तक मदद नहीं किए। ये आज औरंगाबाद को चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, चित्तौड़गढ़ इसलिए कहा जाता है कि राजपूत समाज की बहुलता है, लेकिन एक आप बता दीजिए जिला परिषद हो या तमाम ऐसे पॉलिटिकल पोजीशन हो उसमें राजपूत समाज की भागीदारी रही हो, तब जब सुशील सिंह जैसे नेता सांसद है तो उनका सहयोग समाज को नहीं मिला, तो समाज कह रही है जब आप हम समाज के बल पे सांसद हैं और आप समाज को सहयोग नहीं करते हैं तो समाज आपका क्यों सहयोग करेगी। लेकिन मैं आपके बात से सहमत हूँ, यह नाराजगी चुनावी प्रचार के समय रहती है, लेकिन जब वोटिंग का समय आता है तो डिवीजन स्पष्ट दिखने को मिलता है। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सुशील सिंह को राजपूत समाज वोट करेगी, लेकिन पवन सिंह के कार्यकाल उतरने से ये होगा कि यदि राजद के भी सिंबल पे पवन सिंह लड़ते हैं तो फिर मैं कई बार आप दर्शकों को, आपको भी बताया है कि 2-3 कास्ट बिहार में ऐसे हैं, उनके सामने में यदि अपने समाज के लोग होते हैं सिंबल कोई भी हो तो वो सिंबल को नहीं प्रेफर करके समाज को पसंद करना अच्छा महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि पवन सिंह के उतरने से राजद को वहां फायदा होगा और राजपूत समाज का जो BJP का कोर वोट बैंक है, उपेंद्र कुशवाहा के जीत के एक तरह से रूट है, उस रूट को कहीं ना कहीं रूट आउट करने का काम पवन सिंह करेंगे। और एक सवाल का और जवाब दे दूं जो आपने पवन सिंह को लेकर कहा, नो डाउट पवन सिंह के गाने को लेकर हम सबको आपत्ति है, मैं भी आपत्ति दर्ज करता हूं, लेकिन आप उन लोगों का भी तो नाम लीजिए अभिषेक जी जो दिल्ली के ताज पर बैठे हुए हैं, इन्होंने कौन भोजपुरी का
उन लोगों ने कौन सा भोजपुरी की अस्मिता को बढ़ाया है। मुझे इस बात का गुस्सा है कि भोजपुरी की अस्मिता को बेचकर, भोजपुरी की बोटियों को बेचकर ये लोग नेता बने, बोटियों के के ऊपर खड़ा होकर ये लोग नेता बने, चाहे रवि किशन हो या मनोज तिवारी हो। क्या क्या गाना ये लोग गाए हैं फटाफट खोल के दिखा, ये क्या होता है फटाफट खोल के क्या दिखाना है, किसको आप दिखाने की बात करते हैं। एक तरफ कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक तरफ कहते हैं फटाफट खोल के दिखा, ये क्या होता है फटाफट खोल के दिखा। नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से पूछना चाहता हूँ, ये आपके जो सरताज हैं दिल्ली प्रदेश के, दिल्ली भाजपा प्रदेश के, वो गाना गाते हैं भोजपुरी में फटाफट खोल के दिखा। नहीं बिल्कुल आपने सही कहा, और अब इसी वीडियो के माध्यम से हम भोजपुरी समाज के लोग से अपील करता नहीं कि केहू भी कौनो पार्टी से होके, चाहे भाजपा होके चाहे राष्ट्रीय जनता दल होके, कौनो पार्टी से कोई भी अश्लील गाना गावे वाला, घटिया फालतू गावे वाला आवता, आलतू फालतू बोले वाला आवता, ओकरा के वोट देवे के जरूरत नहीं है। ओकरा के ना होके तो दरवाजा पर से लाठी मार के भगावे के होके तो भगा दी लोगन, जितना लाठी डंडा होके सब लेके भगा दी लोगन, लेकिन बैठा ही नहीं खे देवे के, वोट के बाद तो दूर के बाद। खैर ऋषि जी हम आगे बढ़ते हैं बिहार की चर्चा में। बिहार की चर्चा में अब पवन सिंह से आगे निकल कर यदि देखा जाए तो बात घूम फिर कर वही आती है कि राहुल गांधी बिहार आएंगे तो क्या राहुल गांधी पूर्णिया लोकसभा सीट पर इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार बीमा भारती के समर्थन में प्रचार करेंगे और पप्पू यादव के विरोध में प्रचार करेंगे। देखिए आपने बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। तेजस्वी यादव और राजद के रणनीतिकारों का दबाव है कांग्रेस पे कि एक रैली पूर्णिया में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ संयुक्त रैली, एक प्लेटफॉर्म से इन दो बड़े नेताओं का संयुक्त रैली पूर्णिया में हो। लेकिन मेरे पास जो खबर है, राहुल गांधी और कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप ने एसिप है, इस सुझाव को दरकिनार कर दिया गया है और राहुल गांधी की पहली रैली किशनगंज में होने जा रहा है। अब ये सवाल उठता है कि किशनगंज में जब राहुल गांधी रैली करेंगे तो उस मंच पे, उस प्लेटफॉर्म पे तेजस्वी यादव मौजूद होते हैं या नहीं, क्योंकि पूर्णिया के ऑफर को राहुल गांधी ने ठुकरा दिया है। राहुल गांधी इस बात से नाराज हैं, कांग्रेस के रणनीतिकार नाराज हैं कि जब पार्टी हाईकमान के सहमति के बाद जब पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय होता है और पप्पू यादव और कांग्रेस ये चाह रही थी कि पप्पू यादव पूर्णिया से लड़े, उसके बाद जिस प्रकार से राजद सुप्रीमो लालू यादव के द्वारा और कांग्रेस के तथाकथित एक नेता के द्वारा उसमें अरंगा जिस प्रकार से लगाया गया है, उससे राहुल गांधी नाराज है। मैं आपको आज ही स्पष्ट कर दूं, लोकसभा चुनाव के बाद यदि नतीजे प्रतिकूल नहीं रहे, अनुकूल नहीं रहे, तो कांग्रेस के एक नेता पे कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि पार्टी हाईकमान के नजर में सब कुछ है। और कई ऐसे फीडबैक राहुल गांधी प्रियंका गांधी को मिल रहा है कि कई ऐसे विनिंग सीट हैं, कई ऐसे विनिंग कैंडिडेट हैं, उनको दरकिनार करके ऐसे लोगों को बीच में एंट्री कराया जा रहा है जिसका ना जनाधार है ना आधार है और पिछले बार बड़े मार्जिन से चुनाव हारे हैं। कई ऐसे सीट हैं, यदि आप उसे पूछेंगे बार बार, मैं आदि पूछेंगे तो मैं आपको एक एक सीट, जहाँ जो 6 सीटें जो कांग्रेस की बची है उसका एक एक सीट का विश्लेषण आपको करके आपको बता दूंगा। कई ऐसे सीट है जहाँ विनिंग कैंडिडेट है लेकिन अपने लोगों को बीच में एंट्री करा के पार्टी के प्रोस्पेक्टिव को, विनिंग प्रोस्पेक्टिव को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करने की कोशिश की जा रही है। उसमें गठबंधन के नेता भी हैं और पार्टी के नेता भी हैं और इस चीज का संज्ञान पार्टी हाईकमान को भी है, लेकिन पार्टी हाईकमान चुनाव के बीच में ऐसे नेता पे कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं ताकि एक निगेटिव मैसेज कार्यकर्ताओं में और जनता में नहीं जाए। जी लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर में मछली खाते हुए वीडियो वायरल हुई, खूब वायरल हुई, लोगों ने नवरात्र को लेकर निशाना साधा और तेजस्वी यादव ने IQ टेस्ट किया, उसके बाद अब संतरा यानी नारंगी खाते हुए वीडियो वायरल हो रही है। और जब ये वीडियो वायरल हुई उसके बाद मैंने कई निषाद समाज के अपने मित्रों से बात की, मल्लाह समाज के लोगों से, तो लोगों ने कहा कि ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है,
यानी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनका मानना है कि एक निषाद का बेटा, एक मल्लाह का बेटा हेलीकॉप्टर में चढ़ रहा है, हेलीकॉप्टर में मछली खा रहा है, पानी में से मछली निकाल के आसमान में मछली खा रहा है ले जाकर के, ये लोगों को हजम नहीं हो रहा है, इस तरह की बातें मल्लाह समाज की तरफ से आ रही है। ऋषि भाई क्या लगता है आपको कि हेलीकॉप्टर में मछली खाने और नारंगी खाने को मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने कुल्हाड़ी पर पैर नहीं मारा है, बल्कि पैर पर ही वो पैर कुल्हाड़ी नहीं मार के कुल्हाड़ी पर ही पैर रख दिया है? देखिए मैं आपके बात से सहमत हूँ। देखिए तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कर दिया कि ये वीडियो 8 तारीख का है, कल भी मैंने आप दर्शकों को ये न्यूज लॉन्चर के माध्यम से बताया था। तेजस्वी यादव ने खुद स्पष्ट कर दिया कि जब चुनावी सभा करके वो लौट रहे थे उस समय का ये वीडियो है और 8 तारीख का वीडियो है। और खासकर देखिए, और इस ये वीडियो जानबूझ के बनाया गया था ताकि एक मैसेज दिया जाए कि यदुवंशी और जलवंशी अब साथ साथ हैं, राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, जैसा वो लोग कह रहे हैं। और जितना इस चीज को लेकर बीजेपी अटैक करेगी, एग्रेसिव अप्रोच अपनाएगी, भला समाज में नाराजगी बीजेपी के लिए बढ़ सकती है। और आपने भी कई लोगों से बातचीत किया होगा, मैंने भी कई लोगों से वैशाली में, खासकर वैशाली में बीनापुर वैशाली संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली एक विधानसभा क्षेत्र है जहाँ निषाद और मल्लाह समाज की बहुलता है, मैंने वहां के कई लोगों से बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि यदि नवरात्रा से पहले मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव मछली खाते हैं तो किसी को क्या ऐतराज होगा, क्या मल्लाह समाज और मल्लाह समाज को किस बीजेपी इस प्रकार के मतलब क्या कहते हैं, एक शब्द आता है मतलब उपेक्षा की नजर से बीजेपी देखती है। तो कहीं ना कहीं इस बात की नाराजगी मल्लाह समाज में भी है कि बीजेपी राजनीति में अपने नैरेटिव बनाने के लिए किस हद तक जा सकती है कि खाने पीने को लेकर, कपड़े पहनने को लेकर इस प्रकार का नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी चाह रही थी, बीजेपी एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही थी। मुझे लगता है कि ये नैरेटिव कहीं बीजेपी को लेने का देने करना पड़ जाए। जो मल्लाह समाज कुछ हद तक बीजेपी के साथ दिख रही थी, इस प्रकार के एपिसोड से, इस प्रकार के डेवलपमेंट से नाराजगी समाज में बढ़ सकती है और इसका नुकसान बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। सिर्फ बिहार में ही नहीं, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के कुछ सीटों पे भी आप देखिए मल्लाह समाज का मतलब वहां पे डोमिनेशन है। और इस प्रकार का यदि आगे भी मतलब बीजेपी मिस्टेक करेगी तो इसका नुकसान होगा। ऐसे बयानों से बचना चाहिए, हर चीज में आप रिलीजन, जाति, धर्म इस एंगल का खोजेंगे तो इसका नुकसान हो सकता है। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं, तेजस्वी यादव का जो कोर वोट बैंक है उसमें या मछली खाए या ना खाए उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं एक बार बता दूं, आप शिव जी मेरे पास सहमत होंगे, उनका जो कोर वोट बैंक है अब मछली खाए क्या खाए कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, MY बिल्कुल इंटैक्ट है। और जिन सीटों पे राजद कमजोर भी है ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ MY इंटैक्ट रहे और यदि गैर यादव वो सीट तोड़ ले तो वहां भी आपको नतीजे कुछ और देखने को मिलेंगे। इवन इस बार तो गुजरात में कई सीटें हैं, मैं थोड़ा आपको बिहार से बाहर ले जाऊं, बनासकांठा से लेकर साबरकांठा, ऐसे कई सीटें हैं जहां बीजेपी की पोजीशन कमजोर है। इस बार बीजेपी सपना देख रही है 5 लाख की मार्जिन का, बीजेपी इस पर टारगेट रखी है कि 26 के 26 लोकसभा सीट गुजरात का 5 लाख के मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। अमित शाह 2-3 सीट छोड़ दीजिए तो हर सीट पे कड़ी टक्कर है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जितना ये वीडियो वायरल हो रहा है मल्लाह और यादव की यूनिटी गाँव गाँव में और बढ़ती जा रही है, बीजेपी इसमें फंसती हुई दिख रही है इस नैरेटिव में। खैर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बात मछली की हुई है तो एक बात याद आ रही है, लालू यादव ने एक टीवी चैनल पे कहा था, वो क्लिप अभी यूट्यूब पर देख सकते हैं आप, कि मीन मांस जो कहे करे हारा अगला जन्म देवता में उतारा, यानी मीन मांस यानी मछली और मांस का आहार जो करेगा अगले जन्म में उसे देवता का जन्म मिलेगा, ये बात लालू जी ने कही थी। एक बात दर्शकों को बता दूं, मछली शुभ चीज होती है, कहीं आप यात्रा करने जा रहे हैं और मछली का दर्शन हो जाए उस यात्रा को शुभ माना जाता है। कोई भी शुभ काम करने से पहले मछली का यदि दर्शन हो जाए तो उसको शुभ माना जाता है और सुपाच्य भी होता है, लोगों को खाना चाहिए। जी अरे ऋषि जी क्या बताएं, हम लोग तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, हमारे आपके जैसे लोग अन्यथा बिहार में जो ताजी मछलियां मिलती है और जो सरसों मिर्चा में जो मछली बनती है, सरसों मैरिनेट करके साबुत सरसों के साथ,
उस मछली का जो स्वाद है तेजस्वी यादव को खाते हुए देखकर मुझे याद आ गया। अब मुकेश सहनी जी यदि इस वीडियो को देख रहे होंगे तो कम से कम अभिषेक जी और ऋषि मिश्रा को दिल्ली आवास पे, नहीं तो पटना ही आवास पे, हम लोग दिल्ली से पटना आ जाएंगे आवास पे आके कम से कम मछली का टेस्ट, मतलब जो फ्रेश मछली का जरूर, मतलब एक बार हम लोग को आमंत्रित करें जी। जी सरसों मिर्चा वाली जो छोटी मछली होती है वो भी बहुत टेस्टी होती है, और सरसों मिर्चा वाली गैची मछली अगर मिल जाए तो उसका कहना ही क्या। खैर छोड़िए, अब मछली से आगे निकलते हैं। मछली हेलीकॉप्टर में वो लोग खा रहे हैं, हम लोग को दिल्ली में मछली घर में वही मिलती है मार्केट वाली। मछली से आगे निकल कर देखे तो सियासत में अभी कितनी मछलियां आपको दिखाई दे रही है जो इस बार चुनाव में बहुत मुश्किल में फंसती हुई ऋषि जी बिहार में दिखाई दे रही है, खास करके राष्ट्रीय जनता दल के टिकट बंटवारे के बाद जब कांग्रेस पार्टी और मुकेश सहनी के 9 कैंडिडेट और सिवान माले को जाएगी कि राजद को जाएगी, 10 कैंडिडेट का मामला जब फंसा हुआ दिख रहा है, तो इन 10 कैंडिडेट के मामले के फंसे होने के बाद अब आपको क्या लगता है कि बिहार की सियासत में जिस अंदाज में जोर पकड़ने की बात थी वो क्या अब जोर पकड़ रहा है? और एक बात मैं अपने दर्शकों के सामने कह दूं कि ऋषि जी ने ही बताया था इस चैनल पर कि एक सीट की अदला बदली की संभावना अभी भी है गठबंधन में, और वो सीट की अदला बदली काराकाट और सिवान में संभावना प्रबल हो गई है। जी ऋषि जी, बिल्कुल बिल्कुल प्रबल हो गई है, क्योंकि हिना साहब ने कल सुबह ही क्लियर कर दिया कि वो राजद के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ना चाहती है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब सुबह में ही बयान आने के बाद दोपहर में पवन सिंह की एंट्री होती है, और उसके बाद देर शाम तक एक खबर आया कि पवन सिंह का लालू यादव से मुलाकात हुआ है, तो ये बिल्कुल प्रबल संभावना है कि ये काराकाट जो है राजद चुनाव लड़ सकती है, वहां पवन सिंह उम्मीदवार होंगे और उसके बदले सिवान, और सिवान लेफ्ट का गढ़ भी रहा है, सिवान एक मतलब कार्यक्षेत्र भी रहा है, तो ये जो रिप्लेसमेंट आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं बताता हूँ कि राजद कई जगह बहुत कंफर्ट पोजीशन में है, कई जगह विनिंग पोजीशन में है, और कई जगह यदि टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से होता तो बेहतर पोजीशन में पार्टी होती है। जैसे एक मधेपुरा में देख लीजिए, मधेपुरा में आपने कॉमर्स वाले प्रोफेसर साहब को उठा के वहां टटाल दिया, आप ऐसे लोगों को देते जो वहां सक्रिय थे, आम कार्यकर्ता को ही दे देते, ऐसे लोगों को देते जो 2-3 साल से वहां एक्टिव था, फिर भी आपने यदि उम्मीदवार प्रोफेसर साहब को बना ही दिया है तो आपको ऐसा आप सिस्टम बनाइए कि आप 3-4 बड़े रैली आप मधेपुरा में कीजिए, एक नहीं हो तो एक बार लालू यादव को भी वहां उतारिए। तो ये देखिए कमजोर पीच पे भी यदि आप बेहतर कोऑर्डिनेशन बेहतर रणनीति के साथ चुनाव लड़ते हैं तो आपको नतीजे सकारात्मक देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप ये सिर्फ ये मधेपुरा सिर्फ लड़ाई दिखाने के लिए दिखने के लिए कि हम लड़ाई में है चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे प्रोस्पेक्टिव से कहीं ना कहीं नतीजे प्रभावित होते हैं। सीतामढ़ी में देखिए आपने अर्जुन राय को लिया, ठीक है, क्या अर्जुन राय MY के अलावा वोट ऐड करने में सक्षम है? अर्जुन राय MY समीकरण, आप भी मोतिहारी से संबंध रखते हैं, सीतामढ़ी को आप बेहतर समझते हैं अभिषेक जी, अर्जुन राय में वो कैपेसिटी है MY के अलावा कोई एड ऑन कर पाएंगे? देवेशन ठाकुर धनबल वाले बड़े नेता है, उनके पास मैनेजमेंट है, क्या उसको टक्कर देने में अर्जुन राय सक्षम है? तो इन चीजों को देखना होगा। मेरे हिसाब से अर्जुन राय के विकल्प के तौर पे यदि कुशवाहा समाज के किसी व्यक्ति को आप रामेश्वर महतो को ही दे देते, MY तो इंटैक्ट ही रहता है आपका। देखिए अर्जुन राय, देखिए ये गलत फहमी में अर्जुन राय या तमाम राजद के नेता मत रहे कि यादव उनको वोट देते हैं, यादव लालू यादव को वोट देते हैं, यादव तेजस्वी यादव को वोट देते हैं, यादव लालटेन को वोट देते हैं। यदि MY इंटैक्ट था, ऐसा कॉन्फिडेंस था लालू को, तो वहां प्रयोग करते, कुशवाहा समाज के किसी व्यक्ति को देते। मैं दावे के साथ कहता हूँ सीतामढ़ी आपके झोली में होती। जी सीतामढ़ी की बात के बाद अब बात हम कांग्रेस पार्टी की करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के 6 उम्मीदवारों को लेकर तमाम तरह की बातें हैं। पश्चिमी चंपारण में आप देख रहे थे कि शाश्वत केदार फ्रंट रनर बने हुए थे और बने हुए हैं भी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सिवान से लाकर विजय शंकर दुबे को भी वहां पर एडजस्ट किया जा सकता है। हालांकि मेरा मानना है कि सिवान से कोई बाहरी उम्मीदवार अगर वहां जाएगा तो संजय जायसवाल के लिए रास्ता आसान होगा। इस तरह की बातें हो रही है, मदन मोहन तिवारी पूर्व विधायक की बातें भी हो रही है, लेकिन मदन मोहन तिवारी या फिर एक पत्रकार परवेश मिश्रा जो वाल्मीकि नगर का बाई इलेक्शन लड़े थे, इन सब की भी चर्चा हो रही है।
और इन चर्चाओं के बीच मोतिहारी से कांग्रेस पार्टी से कांग्रेस पार्टी के गठबंधन यानी मुकेश सहनी की पार्टी से आकाश कुमार सिंह का नाम प्रमुखता से आना शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी मुजफ्फरपुर और महाराजगंज में भी पजलिंग पोजीशन में है। पटना साहिब में भी अंशुल अभिजीत को दिया जाए या निखिल कुमार को दिया जाए या सेवा दल वाले संजय यादव को दिया जाए, इसको लेकर के हालात बनते हुए दिख रहे हैं। और छेदी पासवान की पार्टी में एंट्री होगी या नहीं, किसे सासाराम की सीट दी जाएगी, अभी तक वहां के वोटर से लेकर कार्यकर्ता तक अधर में है। झंझारपुर की भी यही स्थिति है, मुजफ्फरपुर की भी यही स्थिति है। क्या कांग्रेस पार्टी मुकेश सहनी सोच रहे हैं, ये अभी तक हमारे दर्शकों को कुछ पता नहीं चल पाया है। आपको क्या लगता है, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? देखिए बेतिया को लेकर मेरे पास सर्वे रिपोर्ट है, स्वयं से मैं अभी ला नहीं पाया हूँ। मेरी जो टीम वहाँ सर्वे की है विधानसभा वाइज, मैं वो उसको रखना चाह रहा था, लेकिन संयोग से मैं किसी और रूम में बेतिया यानी पश्चिम चंपारण को लेकर मेरे पास सर्वे है। सर्वे में तमाम विधानसभा क्षेत्रों में हमारी टीम ने सर्वे की है और सर्वे में शाश्वत केदार पांडे, तमाम जो आपने मदन मोहन तिवारी का नाम बताया, सर्वेश मिश्रा का नाम बताया, तमाम ऐसे जो पत्रकार हैं, तमाम ऐसे नेताओं का नाम बताया, मेरी जो टीम है इन सभी नामों को लेकर बेतिया के हर विधानसभा क्षेत्र में करीब करीब 100 लोगों का सैंपल है। हर एक विधानसभा का 100 लोगों का कम से कम सैंपल मेरे पास है। मैं संयोग से मेरे पास मेरी टीम ने मुझे कल रात में भेजी है। मैं आपको बता दूं, हर एक विधानसभा में किसी में 55%, किसी में 60%, इवन एक विधानसभा में भूल रहा हूं उसमें 70% लोगों का ये मानना है कि शाश्वत केदार पांडे ही यहाँ पे संजय जायसवाल को टक्कर दे सकते हैं। मैं अपने सर्वे के आधार पे बता रहा हूँ, दुनिया की सर्वे क्या कहती है उस पर नहीं कह रहा हूँ। मेरी जो टीम 40 लोकसभा क्षेत्र में सर्वे कर रही है और हर एक वीक कर रही है, हर एक वीक में लोगों का क्या मिजाज बदल रहा है उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। परसों का ये सर्वे रिपोर्ट है, हर एक विधानसभा क्षेत्र में किसी में 55%, किसी में 60%, एक पे 57% और एक पे तो 70% लोगों ने कहा कि शाश्वत केदार पांडे, इन जो आप नाम पूछ रहे हैं मदन मोहन तिवारी, एक पत्रकार मिश्रा साहब या आकाश सिंह का भी मैंने नाम उसमें कहा अपने टीम को कि आप आकाश सिंह का भी नाम पूछे, तो आकाश सिंह सबसे नीचे हैं और सबसे नंबर वन पे शाश्वत केदार पांडे हैं। अब ये पार्टी को निर्णय लेना है कि वहां पे किसको उम्मीदवार बनाती है, लेकिन हमारे सर्वे में, हमारे ओपिनियन पोल में, आप मैं आपको ओपिनियन पोल मत कहिए, सर्वे कहिए, सर्वे मतलब जो निजी तौर पर मैं सर्वे कर रहा हूँ उसमें शाश्वत केदार पांडे जो है नंबर वन चल रहे हैं। उनका मैंने कई लोगों से पूछा, मैं एक मिनट और लूंगा। मैंने उनसे पूछा शाश्वत केदार पांडे ही क्यों, मेरी टीम ने पूछी तो बोले उनके 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 जो ग्रैंडफादर हैं, उनके फादर रहे, उनका बेहतरीन काम रहा है उनके कार्यकाल में, लोगों से एक इमोशनल बॉन्डिंग है, युवा नेता है, विगत 5 सालों में शाश्वत सक्रिय रहा है, तो ये सकारात्मक चीज है। अब आता हूँ मुजफ्फरपुर से पहले मोतिहारी में हमारी टीम ने पूछा कि मुजफ्फरपुर में मोतिहारी में भूमिहार या कुशवाहा या वैश्य, तो उन्होंने सबसे पहला पसंद भूमिहार के समाज के प्रति था, लेकिन लोगों का कहना था कि लोकल उम्मीदवार होना चाहिए, बाहरी उम्मीदवार देंगे तो हो सकता है कि पूरा जो तबका है वो महागठबंधन की तरफ टर्नआउट नहीं हो, तो वहां पे सबसे बड़ा मुद्दा है लोकल, बाहरी बनाम यदि लोकल का होगा तो इसका फायदा राधा मोहन सिंह को हो सकता है और ये भी हो सकता है कि भूमिहार समाज का पूरा टर्नआउट उनके पक्ष में नहीं हो। नंबर दो पे वहां पे कुशवाहा समाज के लोग को लगा कि कुशवाहा समाज को यदि वहां देते हैं तो ये मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं, और तीसरा वेस्ट को लेकर था। अब आता हूं मुजफ्फरपुर में जब मैंने लोगों से पूछा, हमारी टीम ने लोगों से पूछी तो उन्होंने बताया कि अजय निषाद मुकेश सहनी के आने के बाद थोड़ा मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन मुकेश सहनी कितना उनको मदद करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं लोगों ने ये भी कहा कि दोनों में काफी रिफ्ट रहा, दोनों में वाकयुद्ध रही है, एक दूसरे के वो आलोचना करते रहे हैं जब निषाद बीजेपी में थे, लेकिन मुकेश सहनी की एंट्री के बाद ऐसा लग रहा है कि मल्ला समाज जो है महागठबंधन की तरफ
उनका झुकाव हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत पसंद के रूप में विजेंद्र चौधरी अजय निषाद से आगे हैं। और तीसरा, उसमें एक सर्वे में भी आया है कि किसी लोकल भूमिहार को यदि मजबूती से मजबूत भूमिहार जिसका एक कनेक्शन है, रूट कनेक्शन है वहां के क्षेत्र में लोगों के साथ, अपने समाज के साथ, उनको भी दिया जाए टिकट, तो एक बेहतर कॉम्बिनेशन आपको मुजफ्फरपुर में देखने को मिलेगा। तो ये मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और बेतिया, महाराजगंज में है कि वहां बीजेपी ने राजपूत समुदाय को टिकट दिया है। और लालू यादव का भी एक थॉट है, मेरे ओपिनियन में भी ये आया है कि एक समाज मतलब यदि बीजेपी राजपूत को टिकट देती है, एनडीए राजपूत समाज को टिकट देती है और उसके बदले में आप राजपूत समाज को उतारते हैं, तो उस सिनेरियो में राजपूत समाज एनडीए की तरफ मूव कर जाते हैं, तो उसके मुझे लगता है कि वहां किसी भूमिहार को उतारेंगे। उसमें सबसे ऊपर जो है दो लोगों के बीच कांटे की टक्कर है वहां पे, मैं बता दूं, अरुण बाबू जो जहानाबाद से संबंध रखते हैं, उनके और सच्चिदानंद राय के बेटे के बीच कांटे की टक्कर है। इन दोनों में अब पार्टी किन पर निर्णय लेती है ये पार्टी को देखना है, लेकिन मेरे हिसाब से सच्चिदानंद राय के बेटे को आप टिकट देंगे तो इसका फायदा आपको छपरा में भी होगा और महाराजगंज में होगा ही, क्योंकि वहां के लोकल हैं, सक्रिय हैं, ग्राउंड पे बहुत एक्टिव हैं। जी, पटना साहिब और सासाराम का मामला और झंझारपुर का मामला, ये तीन सीटें, झंझारपुर तो तीसरे फेज में ही है। पटना साहिब में देखिए, पटना साहिब में दो लोगों का नाम प्रमुखता से है, वहां का भी सर्वे रिपोर्ट आना है, मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि वहां निखिल कुमार का नाम बड़ी बड़ी मजबूती से चल रही है। पार्टी हाईकमान भी चाहती है कि निखिल कुमार जैसे शख्सियत जो पार्टी के मजबूत नेता है, बड़े नेता है, उनका पैन बिहार अपने समाज में इम्पैक्ट है। कल भी हमने औरंगाबाद में बात किया तो सुशील सिंह के तुलना में उनके प्रति बहुत सम्मान था, उनके परिवार के प्रति, छोटे बाबू क्या उनके परिवार के छोटे साहब, उनके परिवार के किसी व्यक्ति के लिए छोटे साहब कह रहे थे, तो उनके परिवार का बड़ा सम्मान है। जी, तो उनके परिवार के प्रति बड़ी सम्मान है। और जो इक्वेशन बनता है वहाँ राजपूत यादव और मुसलमान का जो कॉम्बिनेशन पटना साहिब में बनता है, वो इंडिया गठबंधन को एक कंफर्ट पोजीशन में लाकर रख देती है। अब ये पार्टी को डिसाइड करना है, यादव मुस्लिम प्लस राजपूत या यादव मुस्लिम प्लस कुशवाहा, दोनों में से किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहती है पार्टी। जी, सासाराम की सुरक्षित सीट और झंझारपुर को लेकर बताइए कि क्या चर्चाएं हैं और कहां मामला फंस रहा है। देखिए, दो नेता हैं, वेटिंग में हैं। दो नेता अभी वेटिंग में हैं, अरुण बाबू और छेदी पासवान। दोनों इसी शर्त पे पार्टी में इनकी एंट्री चाहते हैं कि ये प्रॉमिस किया जाए कि पार्टी में एंट्री होते ही उनको सिंबल मतलब अपने अपने क्षेत्रों में थमा दिया जाए, यही इसी बात का इंतजार किया जा रहा है। सासाराम में आपको बता दूं, मीरा कुमार जब तक सहमति नहीं देंगी, मुझे नहीं लगता कि छेदी पासवान का एंट्री होगा। सासाराम में यदि मीरा कुमार सहमत हो जाती हैं छेदी पासवान को लेकर, मीरा कुमार का कहना है कि यदि आप छेदी पासवान को देना चाहते हैं, उससे बेहतर किसी लोकल कांग्रेस कार्यकर्ता को दे दें, उसका हम समर्थन और आशीर्वाद देंगे। तो ये समीकरण सासाराम में है। अब देखिए पार्टी हाईकमान क्या करती है। झंझारपुर में मैंने कल भी कहा गुलाब यादव मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं, बड़ी मजबूती के साथ उनका नाम चल रहा है, वो मुकेश सहनी के संपर्क में भी है। अब पार्टी कंफ्यूजन में है कि एक यादव को लड़ा है या गैर यादव, ओबीसी को लड़ा है, ईबीसी को लड़ा है, इसको लेकर पेशोपेश में है। और मुकेश सहनी पर यह दबाव है कि अति पिछड़ा का जो अपना वो चेहरा बनाना चाहते हैं बिहार के राजनीति में, और इसका फायदा वो आगामी विधानसभा चुनाव में भी लेना चाहते हैं, उस इमेज को लेकर थोड़ा परेशानी का सबब है। लेकिन उनको ये भी लग रहा है किसी अति पिछड़ा को लड़ाएंगे तो हो सकता है गुलाब यादव निर्दलीय चुनाव लड़ ले, तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं महागठबंधन को होगा। और गुलाब यादव वहां के मजबूत नेता है, स्ट्रॉन्ग नेता है, मैंने कल भी कहा अपने ताकत के बल पे उन्होंने पत्नी को विधान परिषद में भेजा है निर्दलीय, और उनकी पुत्री जो है वर्तमान में जिला परिषद अध्यक्ष है। तो ये स्थिति झंझारपुर की है। अब लालू यादव के सलाह के बाद, कांग्रेस से सलाह लेने के बाद, मुकेश सहनी क्या डिसीजन लेते हैं ये देखना होगा। जी, आखिरी सवाल पर आते हैं, और इस सवाल में दो छोटे छोटे सवाल छिपे हुए हैं ऋषि जी। पहला ये कि जो दूसरे फेज का चुनाव है उसमें पांचों सीटें जेडीयू लड़ रही है,
और चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपेक्षित सहयोग नहीं दे रहे हैं। दूसरे चरण की सीटों में ही पप्पू यादव भी हैं, उसी में अजीत शर्मा भी हैं, फिल्म अभिनेत्री नेहा शर्मा के पिता, उसी में गिरधारी यादव बनाम जयप्रकाश नारायण यादव भी हैं, उसी में मास्टर मुजाहिद आलम वर्सेस मोहम्मद जावेद और MIM भी हैं, और उसी में तारिक अनवर बनाम दुलाल चंद गोस्वामी भी है। दूसरे चरण की सीटों पर जनता दल यूनाइटेड को यदि अपेक्षित सहयोग नहीं मिला या प्रधानमंत्री का दौरा दूसरे चरण की सीटों पर पहले चरण की तरह से नहीं हुआ, तो चर्चा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने में कोताही कर सकते हैं। इस चर्चा में कितना दम है और अमित शाह की रैली में जो उत्साह का अभाव देखा गया उसका कारण क्या है? जो गया में उत्साह का अभाव था, कल जो है आपको जेडीयू की वार रूम में मीटिंग भी हुई है जिसमें संजय झा और तमाम बड़े नेता थे, और इस पे विचार किया जा रहा है कि जो सेकेंड फेज में जो पांचों उम्मीदवार हैं उनको कैसे चुनाव जिताया जाए, या तमाम ऐसे सीट जहां जेडीयू लड़ रही है वहां पर कैसे पार्टी को चुनाव लड़ाया जाए। इस बात पे कल वार रूम में बैठक हुई है। ये बात बिल्कुल सही है, ये जेडीयू को कहीं ना कहीं शंका है कि ऑपरेशन चिराग उनके साथ भी हो सकता है। जिस प्रकार से ऑपरेशन चिराग जेडीयू के विरुद्ध हुई थी, ऐसा ऑपरेशन चिराग जो है जेडीयू के विरुद्ध बीजेपी के कार्यकर्ता या तमाम ऐसे नेता कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है, कार्यकर्ताओं में कहीं हो सकती है नाराजगी है, लेकिन बीजेपी रणनीतिकार इस प्रकार से करते हैं तो ये कहीं ना कहीं गठबंधन धर्म का भी एक तरह से अपमान होगा। गठबंधन धर्म का भी अपना एक ये क्या कहते हैं जो शर्तें होती हैं उनका कहीं ना कहीं अनदेखा करना होगा। लेकिन राजनीति में सब कुछ संभव है, पर्दे के पीछे जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो होता नहीं है, तो संभावना इस बात की भी बनी हुई है। लेकिन अभी वेट एंड वॉच करना होगा। और सेकेंड फेज में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ रही है और राजद 2 सीटों पर लड़ रही है। यही कारण है कि सेकेंड फेज के जो सीटें हैं उसके लिए राहुल गांधी आ रहे हैं। अजीत शर्मा को लेकर मैं बता दूं, कल मैं भागलपुर का स्टडी कर रहा था, वहाँ MY का कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग है, भूमिहार 1,80,000 है। यदि अजीत शर्मा अपने समाज का वोट टर्न आउट कर लेते हैं MY के साथ, तो ये कहा जाता है कि मंडल की सीट है, अति पिछड़ा गंगोत की सीट है, गंगोत तो वहाँ ढाई लाख के आसपास ही है, 1,80,000 भूमिहार है, 2,20,000 कुशवाहा है। कांग्रेस उस समय कन्फ्यूजन में थी कुशवाहा या सम्राट चौधरी की फैक्टर है कि उनका सिक्का चलता है या नहीं, इसी सवाल में नहीं, मैं, सवाल था अमित शाह। लेकिन मेरा मानना है कि MY इंटैक्ट होगा और भूमिहार ऐड हो जाएगा तो अजीत शर्मा कंफर्ट पोजीशन में होंगे। दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा सवाल यही है, इसी में जुड़ा हुआ था कि गया में अमित शाह के कार्यक्रम में उत्साह की कमी क्यों थी? देखिए, अब अमित शाह जी के रैली में उत्साह की कमी रहती ही है। आप कई ऐसे रैली को देख लीजिए, अब अमित शाह अपने आपको नंबर 1 बनने की परिकल्पना करते रहते हैं और वो स्टाइल मोदी जी वाला स्टाइल फॉलो करते हैं, लेकिन मोदी जी वाला चार्म नहीं है उनमें। अब अमित शाह जी में डर ये भी है कि मोदी जी के बाद बाबा ना उनका स्थान ले ले, मोदी के बाद योगी उनका स्थान ना ले ले, तो इस बात का भी मतलब कहीं ना कहीं एक डर अमित शाह के में रहता है। और देखिए, मैंने पहले भी कहा, अब आपके मूल सवाल पर आता हूं, मैंने पहले भी कहा जो मेन स्ट्रीम मीडिया ये माहौल बना रही है कि मोदी का वेव है, वेव नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मोदी का वेव नहीं है। हाँ, नाराजगी भी उतनी नहीं है। मैं बताऊं, LTIMCUMBENCY जो होता है, 10 साल तक केंद्र में बीजेपी की सरकार रही है और 10 साल तक किसी की सरकार रह जाती है तो बड़ा LTIMCUMBENCY हो जाता है। तो LTIMCUMBENCY नहीं है, उसका कारण है कई ऐसे फैक्टर हैं जिस पर बीजेपी ने काम किया, राम मंदिर शिलान्यास से लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे कहीं ना कहीं खासकर अपने कोर वोट बैंक में बीजेपी कंफर्ट पोजीशन में है। लेकिन कोई बड़ा वेव भी नहीं है पक्ष में, इसलिए नरेंद्र मोदी के अलावा आप तमाम ऐसे नेताओं के रैली को यदि आप गौर से देखें, ऑब्जर्वेशन करें, तो वो भीड़ देखने को नहीं मिल रहा, जनता में उस प्रकार का उल्लास नहीं है। तो यही कारण है कि गया में अमित शाह के रैली में आपने सही कहा, जो उल्लास देखनी चाहिए, जो भीड़ देखनी चाहिए, वो नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा कि उल्लास की कमी भारतीय जनता पार्टी में है, और उल्लास की कमी
वेव की यानी मोदी लहर या किसी प्रकार के लहर का अभाव जातीय समीकरण के उभार की संभावनाओं को बढ़ा देता है और यही बिहार में देखने को मिल रहा है। और इसी संभावना ने पवन सिंह की संभावना भी जिंदा कर दी, इसी संभावना ने पवन सिंह की संभावना के साथ साथ सिवान कनेक्शन भी जोड़ दिया और इसी संभावना ने बिहार में पप्पू यादव को भी तमाम गतिविधियों के तमाम राजनीतिक समीकरणों के ऊपर खड़ा कर दिया। जी पवन सिंह को एक ब्रेकिंग खबर दे दूं दर्शकों को, पवन सिंह को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नीतीश कुमार का भी आशीर्वाद है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा इस बार सिमट जाए, उपेंद्र कुशवाहा बर्फ, उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को बर्फ लग जाए, ये नीतीश कुमार चाहते हैं और नीतीश कुमार का भी आशीर्वाद है पवन सिंह को। जी जी देखते हैं पवन सिंह का मामला क्या होता है, लेकिन बिहार की राजनीति को जितना एक तरफा समझा जा रहा था कि नीतीश कुमार जिस पाले में जाएंगे नतीजा एक तरफा हो जाएगा, अब ऐसा लग रहा है कि समीकरणों के उभार और समीकरणों की सियासत ने बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन के लिए रास्ता काफी हद तक खोल दिया है। और जब वो रास्ता खोल दिया है तो प्रतीक्षा इस बात की हो रही है कि समीकरणों की जातीय समीकरणों की बहती हुई गंगा में हाथ धोने के लिए कांग्रेस पार्टी अपने आप को कितना बड़ा तैराक साबित कर पाती है। देखते हैं क्या होता है, कांग्रेस और मुकेश सहनी पर काफी कुछ निर्भर करेगा। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए ऋषि मिश्रा जी आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।